नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे। यहां उन्होंने सबसे पहले रामलला व हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन पूजन किया और रामलला के दर्शन के दरमियान राम मंदिर प्रगति का जायजा लिया। फिर उसके बाद आयुक्त सभागार में अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का सर्वाधिक फोकस अन्य विकास कार्यों से ज्यादा श्री राम जन्मभूमि को जाने वाले राम पथ, भक्त पथ और जन्मभूमि पथ पर था। उन्होंने इन पथों को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश अफसरों को दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीआईसी मैदान में प्रबुद्ध जन सभा मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात भी दी। करीब 1056 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों को चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री किसान निधि लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को चेक भी दिया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या सप्तपुरी में से एक पुरी है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या को दुनिया की सर्वोत्तम नगरी बनाना है। अयोध्या में केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार की 30,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। यहां आध्यात्मिक नगरी बनने के साथ ही भौतिक साधनों का भी उपलब्धता होगी। और नीलम, इसके बाद पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाना है। सबसे पहले श्री सौरभ गुप्ता। सौरभ गुप्ता दीपक विकास यादव